हेलो गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए आज हम एक नई वीडियो के साथ। और आजकल जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं देहरादून की आपको बहुत सारी वीडियोस दिखा रहा हूँ जहाँ आप घूम सकते हो। तो आज उसी में से एक वीडियो मैं लेके आ गया हूँ फिर से, जिसमें हम आ गए हैं माल देवता वाटरफॉल, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये वही एरिया है, पीछे दो चार गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल। वाटरफॉल तो आगे होगा ना, ये पानी यहाँ पर देखो, यहाँ पूरा पानी है। इसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि आगे मिलता क्या है। आगे आवाज तो आ रही है, लोग काफी घूमने फिरने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तभी आगे चल के देखते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ आए, देखो यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर खाना बना रहे हैं, ये देखो। तो अभी हम आगे चलेंगे क्योंकि हम जिस जगह की तलाश में वो अभी तक नहीं मिली है। चले तो गाइस यहाँ थोड़ा आगे आने के बाद देखो कितने सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पर, ये गाड़ियाँ आगे आप यहाँ देखोगे यहाँ पर भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, देखो पूरा। तो अभी हम आगे चलेंगे, फिर देखते हैं कि कौन सी जगह मिलेगी मस्त, वहीं शुरू हो जाएंगे मिनाना। देखो गाइस लोग अपनी बाइक भी पानी में धोते हुए। ये कोशिश निकालने की, ये बंद हो गई। और ये आप सामने देख रहे हो बहाव आ रहा है यहाँ से, तो हम इसी के सहारे आगे चलते हुए। और यहाँ हम बहुत उधर थे, वहां से चलते 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 यहाँ तक आ गए ताकि पानी का थोड़ा ज्यादा बहाव मिले, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल कम पानी है। चलें आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ देखो बच्चे मजे कर रहे हैं और ये पानी का फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलो अब आगे चलते हैं, और क्योंकि थोड़ा गहरा पानी चाहिए अपने को। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं और ये गदेरे में आपको मिलती रहती हैं। और अब हम जाएंगे नीचे पानी में। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप जैसे आगे भी आ सकते हो, बहुत जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर हैं, लोग वहाँ पर हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे जैसे पापा चले गए हैं और आगे तक कोई नहीं है। तो अगर जैसे हम यहाँ पर हैं तो आप आगे भी आ सकते हो, वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं अपना। तो अब मैं भी जाऊँगा अंदर। अरे फोन लेके आ जाऊँ? अब यहाँ पर कोई आप परेशान नहीं करेगा, आप आराम से जब तक आपको स्विमिंग करनी है एंजॉय करना है यहाँ पर कर सकते हो। अरे कहाँ चले गए? अरे रुको मैं अभी आ रहा हूँ अकेले अकेले। तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हो ज्यादा पानी तो यहाँ है नहीं, सिर्फ घुटने तक है देखो, और बैठना पड़ता पानी में। तो जो लोकेशन हम यहाँ देखने आए थे वो तो बहुत आगे, मतलब यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे होगी, पर वहाँ तक जाने का टाइम नहीं है अभी क्योंकि हम लेट हो गए हैं वैसे आते आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर कहीं पर भी इंजॉय कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ अगर आपको जाना है तो आप जैसे थोड़ी आगे वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, वरना यहाँ पीछे कर सकते हो। और यहाँ पर पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आप देख सकते हो वहाँ आगे वहाँ की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आगे इस साइड यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, रोड पूरी आ रखी है यहाँ तक। तो आओ अपनी फैमिली के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ और एंजॉय करो यहाँ अपना। फेस मेरी तरफ करो, फेस मेरी तरफ, ऐसे लेट ना ऐसे। हाँ पकड़ो, क्या यार पकड़ा ही नहीं यार, मेरे हाथ पकड़ो ना। Yeah, man versus wild.
आ गया वापस। तो गाइस यहाँ पर जब भी आओ थोड़ा बच के रहना, क्योंकि आप ये देख सकते घुटने नीचे पत्थर जाते हैं तो घुटने में लग जाते हैं। लेकिन बहुत शांत एरिया है, कोई नहीं है दूर दूर, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। एक बार आओ अपना, 4 घंटे 5 घंटे जितनी देर रहना। और अगर आपको खाना पीना जैसे बर्तन ला दो, यहाँ आसपास लकड़ियाँ पड़ी हैं, खाना बनाओ, चिकन बनाओ, मैगी बनाओ, दाल भात बनाओ, मच्छी भात बनाओ, जो बनाना बनाओ यहीं पर साइड में। बहुत लोगों ने बना भी रखे हैं, जैसे जहाँ पर हमने अपने कपड़े रखे उसके पीछे आपको दिख रहा होगा थोड़ा काला हो रखा है, तो वहाँ पर भी किसी ने चूल्हा बना रखा था पहले। हाँ, यहाँ पर भी किसी ने खाना बनाया था पहले। पैसा यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, अपना आओ एंजॉय करो फुल। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतनी रखते हैं, और अगर आपको भी इस वाले वाटरफॉल आना है माल देवता के, तो जो मेन वाला वाटरफॉल है वो यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। पर उसमें क्या सीन है कि अगर वहाँ आप जाओगे तो वहाँ थोड़ा आपको जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भीड़ हो जाती है। और ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हो जो वहाँ के लिए जा रहे हैं, ये है कच्चा रास्ता, ये कच्चा रास्ता है, तो इसलिए बहुत लोग पहले ही रुक जाते हैं। जैसे हम 2-3 किलोमीटर पहले रुक गए हैं, आगे जाएंगे आगे भीड़ भी मिलेगी, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, उसके लिए सुबह आप आओगे तभी ठीक है। और अगर आप इस टाइम आते हो थोड़ा लेट आते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप 2-3 किलोमीटर पहले रुक जाओ। जैसे आप देख सकते हो आगे सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ लोग जो भी आ रहे हैं वहीं इन्जॉय कर रहे हैं, ज़्यादा इधर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें पता अगर इधर आएंगे तो जाम भी मिलेगा और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत अच्छी रही, और अगर आपको भी आना है अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप ज़रूर आए। ये देहरादून में ही है, अगर आप गूगल मैप्स में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो सिर्फ इतनी रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में, बाय बाय।